आज हम आपको एक नई ड्रग के बारे में बताते हैं जिसका यूनानी मेडिसिन में बहुत अच्छा स्कोप है और हमारी डेली लाइफ्स में होने वाली बीमारियों में बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद है। आज हम बात करते हैं बनफ्शा का। ये बनफ्शा के फूल हैं। बनफ्शा हमारे हिंदुस्तान में सभी जगह पाई जाती है और आसानी से मिलने वाली दवा है। वैसे तो इसका पूरा का पूरा पौधा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके फूल हमारे पास हैं और वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम गुले बनफ्शा कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है वायोला ओडोरेटा और इसको स्वीट वायलेट भी कहते हैं। ये खाने में हल्की सी मीठी है और इसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का है। इसका पूरा पौधा इस्तेमाल में किया जाता है। इसमें रोगन भी है, इसका शरबत भी है, इसका माजून भी है और इसके टैबलेट्स भी आती हैं। इसका सफ़ो भी बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्क बनफ्शा भी बन जाएगा इससे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में अगर देखें तो ये इसका क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। सबसे पहला है इसका एक्सपेक्टोरेंट, यानी ये मुखरिजे बलगम, मुनफ़िसे बलगम है। बलगम को लंग फील्ड से एल्विलाई से बाहर निकालने में बहुत सहायक है। दूसरा हिप्नोटिक इफेक्ट है इसका, नींद लाने वाला। इसका जो रोगन है वो इतना इफेक्टिव है कि जिन लोगों को इंसोमनिया यानी नींद कम आती है, किसी तरह की एंजाइटी रहती है, स्टार्टिंग फेज अगर डिप्रेशन का है तो इसके ऑयल की मसाज करने से बहुत हद तक के रिलीफ मिल सकता है। एंटी पायरेटिक इफेक्ट है, एंटी पायरेटिक यानी फीवर को उतारने में भी इसका काम है और ये जिन लोगों को फीवर हो जाता है उसको भी इफेक्टिव है। इसके बाद इसका लास्ट है लेक्सेटिव है, ये स्टूल को पतला कर देता है और आसानी से स्टूल को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे कि पेट साफ रहता है। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, अगर हम इसका एक्सपेक्टोरेंट यूज़ देखें तो एक्सपेक्टोरेंट में जो हमारे साथ कॉमन लाइफ में डेली लाइफ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, स्पेशली सूखी खांसी में ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें खमीरा बनफ्शा बनाया जाता है। खमीरा बनफ्शा 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, जो कि सूखी खांसी के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम में बहुत ही इफेक्टिव है। सोर थ्रोट यानी गले में बहुत ज़्यादा अगर खराशी हो जाती है, गला छिलने लगता है, यही खमीरा, यही इसका जवा, इसके सफ़ूफ भी दे सकते हैं पानी में डाल के और शरबत भी दे सकते हैं इसको। जिन लोगों में आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, जिसको हम हॉसनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, उसमें भी ये इफेक्टिव है। एक्जिमा जो स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसमें पाउडर फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन में भी है और ओरल भी है। आंतों की सूजन यानी एंटेराइटिस में इसका बहुत अच्छा रोल है। ऐसे मरीज जिनको आंतों की सूजन हो जाती है इसके खमीरे का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी उनमें फ़ायदा मिलता है। कॉन्स्टिपेशन लेक्सेटिव इफेक्ट के कारण जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है तो ये लेक्सेटिव का भी काम करता है और मल को शरीर से आसानी से बाहर निकाल लेता है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं, रासायनिक तत्व जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 है एल्कलाइड्स है और दूसरा इसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फाइटोकेमिकल्स हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक एल्कोलाइड होता है जिसको आइसोक्विनोलिन कहते हैं। ये आइसोक्विनोलिन जो है ये एंटी ऑक्सीडेटिव है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। दूसरा, ये जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं उनको उनसे लड़ने में बहुत सहायक है और जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में ब्लड में घूमते रहते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है और उनको डैमेज भी कर देता है। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, लिकेमिया में इसका बहुत अच्छा रोल है और कैंसर्स में देखा जा रहा है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, जो नर्व डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं उसमें इस ड्रग का बहुत अच्छा है और न्यूरो प्रोटेक्टिव है, नर्व को डैमेज होने से बचाता है। इसके बाद इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। पहला इसका सेपोनिंस है,
ये सेपोनिन्स हमारी बॉडी में क्या करता है, जब हमारे शरीर में यानी ब्लड में लिपिड की मात्रा हाइपर लिपिडीमिया हो जाता है, तो ये लिपिड को कम करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो इसका पाउडर भी, इसका सपूर, इसका शरबत भी यूज़ करते हैं, अर्क भी है और खमीरा भी है, इसकी टैबलेट्स भी बन जाती हैं। तो ये जो है एंटीडोट है लेड पॉइजनिंग के लिए, बहुत अच्छा रोल है इसका। जिन लोगों को लेड पॉइजनिंग हो जाती है उसमें ये एंटीडोट का काम करता है। ऐसे मरीज जिनको लेड पॉइजनिंग हो गई है, अगर हम इसको इस्तेमाल कराते हैं तो ये एंटीडोट का भी काम करता है। दूसरा इसका है फ्लेविनोइड्स है। फ्लेविनोइड जो इसका फाइटोकेमिकल है वो एंटीवायरल एक्टिविटी है, वायरस के अगेंस्ट में इसका बहुत अच्छा रोल है। लास्ट इसका फिनोलिक्स है जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि इन्फेक्शन अगर हो रहा है कहीं पे और अगर एंटीसेप्टिक यूज़ कराया जाए तो लोकल एप्लीकेशन में और जनरल एप्लीकेशन में इसका बहुत अच्छा होगा। तो आज का टॉपिक हमारा बनफ्शा का है, आप ये देख सकते हैं ओरिजिनल बनफ्शा हमारे पास है, मार्केट में है, अवेलेबल है, लेकिन कॉस्टली है ये ड्रग। और हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं अगर, तो आप ज़रूर इसको फॉरवर्ड कर दें और इसको आगे बढ़ा दें। जिन लोगों को इसमें कोई भी चीज़ को पूछना हो तो प्लीज़ पर्सनल कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।